हाय गाइस, आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एसेंचर के बारे में। आप जब एज अ फ्रेशर्स कंपनी को ज्वाइन करते हो, आपकी सैलरी कितनी होगी, आपका ज्वाइनिंग प्रोसेस क्या होगा, रोल क्या होगा, हर चीज हम डिटेल में कवर करेंगे इस वीडियो में। लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सो द फर्स्ट थिंग इज, व्हेन यू ज्वाइन अ कंपनी, आपको रोल कौन सा ऑफर किया जाएगा। सो इन एसेंचर जो वो फ्रेशर को जनरली ऑफर करते हैं, दैट इज एप्लीकेशन डेवलपमेंट एसोसिएट। अब यार, रोल तो हमें ऑफर कर दी गई, अब हमने काम करना स्टार्ट कर दिया। अब नेक्स्ट चीज देखते हैं कि यार आपको सैलरी कितनी मिल रही होगी। तो सैलरी यहाँ पर मिलती है आपको 4.5 लाख पर एनम, जो कि आपकी नियर अबाउट 28,000 to 30,000 पर मंथ हो जाती है। रोल हो गया, सैलरी हो गया, अब जो इंपॉर्टेंट चीज है कि ज्वाइनिंग प्रोसेस क्या होता है। यहाँ पर मैं आपको पहले बताती हूँ कि आप बिफोर ज्वाइनिंग क्या कर रहे होगे। कुछ सिमिलर है जैसे बाकी कंपनीज में होती है। यू विल बी गेटिंग योर लेटर ऑफ इंटेंट, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो रहा होता है, एज सिमिलर। यहाँ पर एक और चीज जो हो रही होती है वो है लर्निंग मॉड्यूल्स। बिफोर ज्वाइनिंग यू वुड गेट लर्निंग मॉड्यूल्स एंड दे टेक इट प्रिटी सीरियसली। लाइक इस लर्निंग मॉड्यूल्स के बेसिस पे आपके कुछ टेस्ट भी हो रहे होते हैं आगे, जो मैं आगे अभी आपको एक्सप्लेन करूंगी। अब यार एक और चीज, जो आपके ये लर्निंग मॉड्यूल्स है ये आपको ज्वाइनिंग के 2-3 महीने पहले मिलते हैं। और यहाँ पे बहुत बार ऐसा होता है कि आपके ज्वाइनिंग में बेसिकली समय लग जाता है। जैसे आप सिलेक्ट हुए हो लेट से इन सितंबर और अक्टूबर, बट माइट भी आपकी ज्वाइनिंग मई जून में हो रही है। सो देयर इज अ चांस कि ज्वाइनिंग में आपका वो डिले हो सकता है। ये था हमारा बिफोर ज्वाइनिंग प्रोसेस। सो अब देखते हैं कि ज्वाइनिंग के बाद क्या प्रोसेस फॉलो होता है। सो जो लर्निंग मॉड्यूल अभी हम प्रिपेयर कर रहे थे, अब इसी लर्निंग मॉड्यूल के बेसिस पे हमारा एक फंडामेंटल असेसमेंट टेस्ट हो रहा होगा। ये टेस्ट जावा और एसक्यूएल बेस्ड होता है, 100 मार्क्स का पेपर होगा, 50 एमसीक्यूज होंगे, कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी और 2 कोडिंग क्वेश्चन होंगे। अब अगर इस पेपर को हम मिनिमम 60% के साथ क्लियर करते हैं और जो लर्निंग मॉड्यूल्स हमें मिले थे अगर हम उन्हें 98% कंप्लीट करते हैं, तो कंपनी हमें 10,000 rupees एज एन इंसेंटिव लर्निंग ऑफर करती है। काइंड ऑफ आप इसको एक बोनस समझ सकते हो। अगर आप वो एग्जाम नहीं क्लियर कर पाते हो 60% क्राइटेरिया के साथ, तो आपको 2 और अटेम्प्ट मिलेंगे एंड आपको मेक श्योर करना है कि आप दोनों में से किसी एक अटेम्प्ट में क्लियर कर जाओ, इस बार मिनिमम 65% मार्क्स के साथ। सो दैट्स व्हाट आपका ज्वाइनिंग प्रोसेस में हो रहा होता है। अब इस ज्वाइनिंग एग्जाम के बाद आपका आता है स्ट्रीम ट्रेनिंग। अब मैं डिस्कस करती हूँ यहाँ पे क्या होता है। सो अब हमने अपनी फंडामेंटल असेसमेंट क्लियर कर दी, अब जो नेक्स्ट चीज होती है हमारी स्ट्रीम ट्रेनिंग होती है। स्ट्रीम ट्रेनिंग में क्या है कि आपके पास 10 से 12 डिफरेंट स्ट्रीम्स होते हैं, उनमें से आपको अपने प्रायोरिटी के हिसाब से 5 स्ट्रीम्स चूज करने होते हैं। कैसे ये स्ट्रीम्स होते हैं, जैसे आपका जावा एक स्ट्रीम हो सकता है, एसक्यूएल हो गया, .NET हो गया, ऐसे करके डिफरेंट आपके पास स्ट्रीम्स गिवन होते हैं। डिपेंडिंग अपॉन कि क्या प्रोजेक्ट्स हैं उस वक्त कंपनी के पास और क्या रिक्वायरमेंट है, उस हिसाब से आपको इन सारे स्ट्रीम्स में से जो आपने 5 दिए होंगे आपको उसमें से एक अलॉट किया जाएगा। अब आपको एक बार एक स्ट्रीम अलॉट हो गई तो आपकी 6 months की एक प्रॉपर ट्रेनिंग होगी एंड उस पर्टिकुलर स्ट्रीम के बेसिस पे आपके कुछ एग्जाम्स भी हो रहे होंगे। अब जो ये एग्जाम है इसमें बता दूं कि आपको 3 मैक्सिमम चांस मिल रहा होगा एग्जाम्स को क्लियर करने के लिए एंड जो एग्जाम्स होंगे वो प्रिटी सिमिलर होंगे जैसे आपका फंडामेंटल असेसमेंट के क्राइटेरिया था, जैसे वो वाले एग्जाम्स थे, फिर उसी तरह से आपके ये स्ट्रीम ट्रेनिंग वाले भी एग्जाम्स हो रहे होते हैं। एक बार आपने इनिशियल ट्रेनिंग प्रोग्राम को कंप्लीट कर ली, आपको 25,000 rupees बोनस मिलता है। ऑल्सो कंपनी आपको किसी एक स्पेसिफिक लोकेशन पे प्रोजेक्ट अलॉट कर देती है। सो ये आपका स्ट्रीम ट्रेनिंग कंप्लीट करने के बाद बेसिकली आप ज्वाइन कर रहे होगे किसी एक पर्टिकुलर प्रोजेक्ट को। सो यार अब बात करते हैं कि आपको प्रोजेक्ट्स कैसे मिल रहे होंगे। सो एसेंशियल में जो भी आपको प्रोजेक्ट्स मिलते हैं वो कंप्लीटली डिपेंडेंट होते हैं आपके बिजनेस रिक्वायरमेंट पे। हो सकता है कि आपने जावा में अपनी स्ट्रीम ट्रेनिंग करी हो बट जब आपको प्रोजेक्ट मिले तो वो .NET का मिल जाए, ये भी पॉसिबिलिटी है। यहाँ पर प्रोजेक्ट एक बार जब अलॉट हो जाता है तो प्रोजेक्ट या टेक्नोलॉजी चेंज करना थोड़ा डिफिकल्ट होता है, टू बी ऑनेस्ट। ऐसा नहीं है कि आप झट से इस प्रोजेक्ट से उस प्रोजेक्ट में स्विच कर जाओगे। अब यार एक और चीज, आपके जो प्रोजेक्ट्स अलॉट होते हैं वो जरूरी नहीं है कि स्ट्रीम ट्रेनिंग के बाद ही अलॉट हो रहे होंगे। कई बार आपको प्रोजेक्ट स्ट्रीम ट्रेनिंग कंप्लीट होने से पहले भी अलॉट हो जाते हैं, लाइक आपका ट्रेनिंग कर रहे होगे एंड आपको बीच में ही प्रोजेक्ट अलॉट हो गया। तो ये बात की हमने प्रोजेक्ट के बारे में। अब यार वर्किंग आवर वही जैसे बाकी कंपनीज में होती है, मिनिमम 9 आवर की, एंड ऑल्सो ये थोड़ा डिपेंड करता है कि आपका प्रोजेक्ट कौन सा है और टीम कैसी है। टीम के हिसाब से भी वर्किंग पीरियड थोड़ा सा फ्लेक्सिबल होता है। अब यार एक अच्छी चीज है सिंचर के साथ ये है कि यहाँ पे कोई बॉन्ड अमाउंट नहीं होता है। अगर आप 1 साल से पहले कंपनी लीव कर रहे हो तो इट जस्ट दैट आपको 1 month का नोटिस पीरियड देना होगा। 1 साल के बाद लीव कर रहे हो तो यही नोटिस पीरियड 2 महीने की हो जाती है। तो यही था इस वीडियो में। अगर मैंने कोई भी इन्फॉर्मेशन मिस की हो या कोई इन्फॉर्मेशन नहीं आप बताना चाहते हो, कमेंट सेक्शन में आके बताओ ताकि हमारे बाकी दोस्तों को भी इस चीज़ का फायदा मिल सके। ऐसे ही वीडियोस मैंने कुछ और कंपनीज पे बना रखी हैं, उन्हें भी जाओ और चेकआउट करके आओ। एंड अगर आप चाहते हो मैं किसी और कंपनी में बनाऊँ तो कमेंट सेक्शन में आके बताओ। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में ऐसे ही कुछ नए कॉन्टेंट के साथ, तब तक के लिए बाय।